अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शेफ शबनम आज आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ ईद की। खास ये मिर्ची मसाले वाली चीजें खाने खा के दिल नहीं करता मिर्ची बोले ज्यादा स्पाइसी खाने को, तो आज हम बनाएंगे पुलाव। व्हाइट पुलाव बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, आप जरूर इसको ट्राई करें। ये मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना सिखा रही हूँ जिस तरह हमारे घर में बनता है और बहुत सबको बहुत पसंद आता है। मैं इंग्रेडिएंट नोट करवाती हूँ आपको और बनाना शुरू करते हैं। ये है बीफ पुलाव के इंग्रेडिएंट। ये हर चीज मैंने सारा कुछ मैंने साबत ही रखा हुआ। ये प्याज भी साबत है, अदरक के बड़े बड़े पीस किए हुए हैं। ये लहसुन भी साबत है, ये दो लहसुन लिए मैंने इसी तरह साबत गुठ लिए हैं। दो टमाटर है, दो तेज पत्ता है, ये साबत गर्म मसाला है, बड़ी इलायची दो है, पाँच छः लौंग है इसे, और ये काली मिर्चें हाफ टी स्पून है जवत्री, और ये स्टार लीफ दो है, ये सौंफ है ये 1 टीस्पून है, धनिया साबत ये भी 1 टीस्पून है, नमक भी 1 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है। ये सारा कुछ डाल दूंगी प्रेशर में और इसको तकरीबन वेट लगेगा 30 मिनट। बीफ है, ये बीफ को मैंने पानी डाला इतना जितने आपके चावल हैं उसे डबल आपने पानी रखना है इसमें। अगर 2 गिलास बना रहे हैं या 1 किलो बना रहे हैं तो 2 किलो पानी डलेगा इसमें। ये ऊपर रख दिया, ये सारा कुछ जो साबत चीज़ें हैं ये मसाले वगैरह ये सारे इसी तरह इसमें जाएंगे ऐसे ही बस। ये गोश्त के हिसाब से इसको वेट लगेगा, आप देख लें, अगर किसी बड़े जानवर का तो उसको ज़्यादा लगेगा, अगर छोटे का तो उसको कम लगेगा, उसी हिसाब से इसको मैं लगाऊंगी 30 मिनट के लिए वेट लगाऊंगी, फिर इसका वेट खोल के फिर आपको आगे प्रोसीड इस कब तक। बिल्कुल गल गया, ये जो घी ऊपर नज़र आ रहा है आपका फैट है इसका सारा, ये गोश्त का ही है, इसमें मैंने कोई ऑयल वगैरह घी शामिल नहीं किया। अब ये है टमाटर, इस तरह से इसको ऊपर से इसका छीका रिमूव कर दें। ये है प्याज, इस तरह से इसको दबा के इसमें जो स्टॉक वगैरह है वो सारा निकल जाए, इसको दो काट दिए। ये दोनों प्याज, ये नहीं तेज पत्ता भी आपका दिल है तो इसको भी निकाल देने में अच्छा लगता है बीच में, तो ये भी ये हो गया सारा। ये चावल तकरीबन 1.5 किलो है, इसके हिसाब से मैंने 1.5 किलो ही इसमें बीफ डाला है। तेजकी में मैंने प्याज डाल दिया, ये 2 प्याज मीडियम लिए थे, अगर बड़ा है तो 1 ही काट लें। इसमें 1 कप घी जाएगा, ऑयल नहीं डालना इसमें, ये घी अच्छा लगता ज़्यादा कोरमे में कढ़ाई में, ये पुलाव बनाओ बिरयानी बनाओ इसमें घी अच्छा लगता है। ये 1 कप मैंने घी डाल दिया, इसको ब्राउन करेंगे लाइट ब्राउन, डार्क नहीं करना, लाइट ही कलर रहेगा इसका। प्याज ब्राउन हो गया सही, ये मसाले जो मैंने उसमें डाल दिए वो यखनी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब ये मसाले इसके अलावा जो चावलों में जाएंगे, ये राइस के हैं, ये साबत मसाला, इसमें ये 4 छोटी इलायची हैं सब्ज़ वाली, ये गरम मसाला साबत है, ये नमक है चावलों से हिसाब से आपने डालना, जितने चावल है उतना नमक उसके हिसाब से आप डालें नमक। ये लाल मिर्चों का पाउडर है ये 1 टीस्पून है, ये जायफल जोत्री का पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है। अब जाए ये देखो, ये प्याज गोल्डन हो गई है, ये यही कलर रखना। अगर आप पुलाव का कलर डार्क चाहते हैं जिस तरह ये बनू पुलाव बनता है तो इसका कलर ज़रा ज़्यादा डार्क कर लें, इसको और इसमें फ्राई करेंगे फिर ये वो कलर आ जाएगा। ये अब ये मसाले हैं जो ये सारे इसमें चले जाएंगे। ये जखनी इसी में है, इसमें से बोटियाँ निकाल के मैंने वो मसाले में डाल दिए, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे फिर ये स्टोव छान के इसमें डाल देंगे। बोटियाँ सिर्फ हमने निकालनी है, इसमें से और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारा कुछ असर इसमें आ गया हुआ है, इसका सारा टेस्ट आ गया हुआ है उसमें, इस तरह हमने स्टोव को छान लिया। इसमें ये जो बोटियाँ आ गई ये निकाल देंगे, तो अच्छी तरह से छान लिया, सारा इसका असर आ गया स्टॉक में, अब इसको निकाल देंगे सारा। चावल आ गया, यखनी तो पहले ही गर्म थी, अब इसमें चावल ऐड कर देंगे।
ये 1.5 किलो है, आपने अपनी मर्जी से जितने चावल बना रहे हैं उसके हिसाब से आपने पानी इसमें ऐड करना है। और चावलों का किसी को पता नहीं चलता कितने चावल है, कितना पानी इसमें जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये अभी पानी इसमें बहुत कम है, देखिए इस तरह चावल डालें, आपको खुद ही अंदाजा होगा इसका। ये पास इतने चावल ऊपर नजर आने चाहिए, तकरीबन ये हाफ फिंगर के हिसाब से चावल बिल्कुल आपके सही पकेंगे। इसमें पानी आप चेक कर लें, उबाल आ जाए फिर इसमें नमक चेक करें, नमक पूरा है अगर कम है तो और डाल दें, अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें जितना आपके घर में खाते हैं। कई लोग कम खाते हैं, कई ज्यादा खाते हैं। बस आप इसको पकने दें, इसको वो कवर करेंगे और 5 मिनट छोड़ेंगे, फिर इसको चेक करेंगे। ये देखिए पुलाव बिल्कुल तैयार हो गया, अभी दम मेरी कंडीशन पे है। यहाँ पे आपने दम लगाना है और ये फूड कलर डालना है, ये थोड़ा सा जरदा रंग है। 15 से 20 मिनट दम पे लगा देंगे, बस ये तैयार है। ये देखिए दम पे लगा हुआ था, 20 मिनट के बाद मैंने दम खोला, इसका मज़ेदार पुलाव टेस्टी तैयार है, वाइट पुलाव। अगर आप इसको ज़रा डार्क करना चाहते हैं तो प्याज को थोड़ा सा डार्क कर लें, ब्राउन हो जाएगा ये। वो देखें कितना माशाल्लाह खिला खिला बहुत अच्छा बन गया है। आप ज़रूर घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।